तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी है खुद पे भरोसा। किसी बाग के एक घने दरख्त पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें वो दिन भर अपने बच्चों के साथ रहती। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उन बच्चों के बाल और पर भी निकलने लगे थे। एक रोज चिड़िया को उसके बच्चों ने बड़ी परेशानी के आलम में यह बताया, माँ, ऐसा लग रहा है कि हमारा घोंसला बर्बाद होने वाला है। आज इस बाग का मालिक अपने बेटे के साथ यहाँ आया था और उससे कह रहा था कि अब फल तोड़ने का जमाना आ गया है। कल मैं अपने दोस्तों को लाऊंगा और उनकी मदद से इस दरख्त के फल तोड़ूंगा। मेरे बाजू में तो तकलीफ है, इसीलिए ये काम तन्हा नहीं कर सकता, मुझे अपने दोस्तों की मदद की ज़रूरत होगी। ये सुनकर चिड़िया ने अपने बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, वो कल अपने दोस्तों के साथ ना यहाँ आएगा और ना ही फल तोड़ेगा। और वाकई ही ऐसा हुआ, बाग का मालिक ना खुद आया और ना उसका दोस्त वहाँ पहुँचा। इसी तरह कई रोज़ गुजर गए, तो एक रोज़ वो फिर बाग में आया और उस वक्त चिड़िया अपने बच्चों के पास नहीं थी। उसने दरख्त के नीचे खड़े होकर कहा, मेरे दोस्तों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए मैं यहाँ से फल नहीं तोड़ सका, मगर कल मैं ये काम ज़रूर कर डालूँगा, क्योंकि इस बार उन्होंने आने का पक्का वादा किया है। जब चिड़िया वापस लौटी तो उसके बच्चों ने यह बात चिड़िया को बताई, तो इसने बेपरवाही से कहा, क्योंकि इस बार भी ना वो खुद आएगा और ना उसके दोस्त आएंगे। ये दिन भी गुजर गया और चिड़िया के कहने के मुताबिक बाग का मालिक वहां ना आया और ना उसका कोई दोस्त। चिड़िया के बच्चे कुछ ज्यादा ही मुतमईन हो गए थे। चंद रोज बाद बाग का मालिक अपने बेटों के साथ वहां पहुंचा और दरख्त के नीचे खड़े होकर बोला, मेरे दोस्त सिर्फ नाम के दोस्त हैं, इन्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। अभी तक कई बार वादे करके टाल गए, लेकिन अब मुझे उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही कल तुम सब के साथ मिलकर इस दरख्त के फल तोड़ूंगा। वैसे भी मुझे दूसरों पर भरोसा करने के बजाय अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, इसी में बेहतरी है। जब चिड़िया ने यह बात सुनी तो वह परेशानी के आलम में बोली, बच्चों, अब हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। जब तक बाग का मालिक दूसरों पर भरोसा कर रहा था, उसका काम नहीं हो रहा था, मगर आज उसने खुद पर भरोसा करते हुए खुद ही फल तोड़ने का इरादा किया है, तो वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो अपने बच्चों को साथ लेकर प्रवास कर गए। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करना चाहिए।